हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में गोपाल जी के लिए हम पोंचू बनाना बताएंगे आपको, जो कि बनाने में भी बहुत ही सिंपल है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। तो चलिए, हमने दो कलर में ऊन ले लिया है, अगर आप चाहें तो एक कलर में भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले एक हम इसमें लूप बना लेंगे, पहले लूप बनाएंगे इस तरह से हम। इस तरह से हमने लूप बना लिया। अब इसमें हम 20 चैन बनाएंगे। पहले दो बनाया, एक दो तीन चार, 20 चैन बना लेती हूँ। बना करके फिर आपको मैं आगे बताऊंगी। इसमें हमने 20 चैन बना लिए हैं। 20 चैन बनाने के बाद में इसको हमें, ये जो फर्स्ट वाला जहाँ से हमने लूप बनाया था, इसको इस तरह से हम स्लिप स्टिच से इस तरह से इसको हम ज्वाइंट कर दिए। इसके बाद हमें अब दो चैन बनाना है। एक दो चैन हमने बनाया, और जितना भी इसके नेक्स्ट पास वाला चैन है सब में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले है कितना में बनाना है, तो मैं वो आपको बता रही हूँ। हमारा 20 चैन है, 20 चैन जो है हमारा, इसमें हमें 9 में बनाना है। 9 चैन में 9 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर चैन में एक एक बार बनाएंगे। तो पहले 9 बना लेती हूँ मैं, बनाने के बाद में आपको आगे वाले चैन में बताऊंगी। नौ चैन में हमने 9 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले में इस चैन में डबल क्रोशिया एक बार बनाया, इसके बाद हम दो चैन लेंगे और फिर इसी होल में एक बार और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, दो बार हमने बना लिया। और फिर हमें कितना हुआ था, हमारा 9 इधर हुआ था, एक ही हमारा 10 हो गया। अब फिर इधर हम 9 बनाएंगे और लास्ट में जब हमारा 10 हो जाएगा तो 20 हमारा चैन पूरा हो जाएगा, उसमें भी हमें यही करना है। तो पहले 9 में बना लेती हूँ, इसके बाद 10वें में फिर आपको बताऊंगी। अभी तो हमें हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि हम अभी बनाते आ रहे हैं। इधर हमने बनाया, ठीक वैसे ही हमें बनाना है। यहाँ पर हम 9 बार बना लिए हैं, यहाँ पर हमने बनाया था और यहाँ भी हम 9 बार बना लिए हैं। इसके बाद देखिए, जो यहाँ पर हमने बनाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, अब जहाँ से हमने ये स्टार्टिंग किया था इसमें 2 का डबल क्रोशिया किया था स्टार्टिंग में, वहीं पर हम एक बार हमने बना लिए और ये दो चैन बना लिए जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था। और फिर सेम इसी होल में हम बना लिया डबल क्रोशिया। अब इसी जगह पर हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ से हमने इसको अटैच कर दिया, तो हमारे एक ये आगे का हो गया और एक ये पीछे का हो गया। ये अपने आप जब थोड़ा सा बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से आपका शेप ले लेगा। अब जैसे हमने बनाया था ठीक हम वैसे ही बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया कर लिया हमने, अब सेम हम बनाते जाएंगे और एक एक एक्स्ट्रा करते जाएंगे। तो एक बार यहाँ पर देखिए, एक बनाया हमने और 9 है तो इस बार हमारा 10 हो जाएगा। हमने यहाँ पर बना लिया है, ये हमारा 9 हुआ था, एक एक्स्ट्रा में यहाँ पर हमने बनाया है, 10 बनाया है हमने। और फिर हमें क्या करना है कि एक चैन यहाँ पर हम बनाएंगे, और बनाने के बाद में इसमें सेम हम वही बनाएंगे। एक बनाया हमने, फिर एक, ये दो, दो जाल यहाँ पर चैन बनाएंगे, फिर यहीं पर हम सेम करेंगे। एक ये हम दो बना लिए, दो बनाने के बाद एक चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे। जो एक चैन हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसी में से एक फंदा हम बढ़ा रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो हमने बना लिया है, इसके साथ में एक ये जो चैन दिख रहा है इसी में हम एक बनाएंगे, जैसे कि हमने इधर बनाया था, बना लिया हमने। और फिर हम सेम बनाएंगे और 9 है तो आगे में चल के हमारा 10 बनेगा। फिर मैं आऊंगी इस जगह पर पीछे वाले साइड में, फिर दिखाऊंगी हमारा दोनों साइड सेम बनेगा। किसी को भी आप आगे और किसी को भी आप पीछे कर सकते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ का डिज़ाइन खुल के अलग दिख रहा है और आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर जब आऊंगी फिर आपको आगे बताऊंगी। हम फिर सेम प्लेस पर आ गए हैं पीछे के साइड में। अब यहाँ पर हमें सेम बनाना है, एक बना लिया है, एक दो चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे और फिर इसी होल में हमें एक बार और बनाना है और एक यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बना लिया। बनाने के बाद में इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पर हमें जोड़ देना है। बनाने के बाद में यहाँ पर हम दो चैन लेंगे, ये देखिए ये हमारा यहाँ और यहाँ हमारा जाहिर होते जा रहा है। इसी तरह से हम एक एक एक्स्ट्रा बनाते जाएंगे। इसी तरह से मैं थोड़ा सा और बुनाई कर लेती हूँ, बुनने के बाद में आपको आगे बताऊंगी। एक साइड का हमारा ये है और एक साइड का हमारा ये है, ये दोनों सेंटर इस तरह से देखिए, और हमारा ये गले का शेप भी आपका अपने आप बन जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, करने के बाद आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ तक हमने इसको बना लिया है और बना करके अब यहाँ पर स्लिप स्टिच से हम अटैच करके इसको छोड़ देंगे और इस तरह से इसको निकाल लेंगे। धागे को भी हमने कट कर लिया है, कट करके इसको अंदर के साइड हम एडजस्ट कर लेंगे धागे को। और ये देखिए हमारी कितनी सुंदर और कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, ये हमारा दोनों साइड से है, ये देखिए। अब यहीं से हम पीला रंग इसमें ऐड करेंगे जहाँ से कि हमने इसको कट किया है। ये धागे को अंदर के साइड कर लेंगे और यहीं पर हम इस तरह से ये धागे को अंदर कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ पर हम चैन बनाएंगे, 4 चैन हमने बनाया, 5 बनाया, 6 बनाया हमने चैन, 7, 8 चैन हम बनाए। 8 चैन बनाने के बाद में ठीक इसके साथ में स्लिप स्टिच से इसको हम ऐड कर देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम 8 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर इसको यहाँ पर हम नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से इसको भी हम इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हम इसका ये किनारी बनाएंगे। फिर यहाँ पर 8 चैन बनाएंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी तरह से हम काउंट कर करके बनाएंगे तो हमारे एक बराबर इसका नीचे कलर ही जाएगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। अब बनाते बनाते यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर यहाँ इसको इस तरह से अटैच करके इसको एक बार और कर लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 करके जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसी में हम बंद कर देंगे इसको। किस तरह से चैन बना के हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे और इस धागे को हम अंदर के साइड ले लेंगे।
इस साइड से यहाँ पर हमारा ये नोट लग जाएगा तो पता नहीं लगेगा। और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा धागा ये बच रहा है इसको भी हम कट कर लेंगे तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा अंदर में ये धागा। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये नीचे का झोलर बन के रेडी हो गया। अगर एक बराबर आप इसका काउंट करेंगे, इसका जो बनाएंगे आप चैन, तो हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर बनेगा ये। ये हमारे आगे का लुक है और ये देखिए, और हमारा ये पीछे से है। अब चलिए इस पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस तरह के हाफ कटे हुए पीसेस मोती की जो आती है इसको भी आप यहाँ पर इस तरह से आप चिपका सकते हैं। अगर आप चिपकाते हैं तो ये अलग अलग लुक में आएगा, अगर नहीं चिपकाते हैं तो आगे और पीछे आप दोनों साइड से किसी साइड से भी इसको पहना सकते हैं, डाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर इच्छा करें तो आप कोई बटन भी लगा सकते हैं, अगर बटन नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें बनाएंगे इस तरह से, मैं पहले 20 चैन बना लेती हूँ, बना करके फिर आपको बताऊंगी। यहाँ तक 20 चैन हमने बना लिया, एक चैन एक्स्ट्रा हम बना लेते हैं। बनाने के बाद इस धागे को यहाँ पर कट कर देंगे, कट करके इसको इस तरह से हम निकाल देंगे। निकालने के बाद में इसको इस तरह से पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद में इसको इस तरह से करके यहाँ पर एक मोती के मोती से हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद में इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे, सिल देंगे। और जो ये हमारा धागा एक्स्ट्रा है इसको कट करके हम निकाल देंगे। तो इतना काम मैं पहले कर लेती हूँ, करके फिर आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया, अटैच करने के बाद में जो हमारा ये एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। और ये प्यारी सी हमारी पोंचू बनके गोपाल जी के लिए रेडी है। ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है। और पीछे से भी इसका लुक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये 4 से 5 नंबर के गोपाल जी में आराम से आ जाएगा, आप डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी मोती हमारी चिपक नहीं रही अच्छे से, इसको चिपकाना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहना करके देख लेती हूँ। ये हमारे 5 नंबर के गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल, इनको मैं पहना करके दिखाऊंगी। ये कान का इनका थोड़ा नग वाला है इसीलिए अटक रहा है। और देखिए गला हमने आराम से आ गया। और ये देखिए ना ही गला हमारा ज़्यादा लूज हो रहा है, ना ही हमारा टाइट हो रहा है, पहनाने में भी हम आराम से पहना दिए। और ये देखिए इनकी पीछे से लुक कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत सी इनकी ये पोंचू लग रही है, बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये 5 नंबर के गोपाल जी की फाइनली लुक मैं दिखा रही हूँ पोंचू डालने के बाद। और ये देखिए पीछे से भी बहुत ही अच्छी इनमें फिटिंग आ रही है और पूरा बदन कवर आ रहा है। इसके नीचे से अगर आप पैजामा भी डाल देंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा और ये मैचिंग की हो जाएगी। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो आप वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर नए वीडियो लेकर के आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।